तो दूध से हम एक ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो दानों को, फोड़ों को जो है मतलब एक से दो दिन में ड्राई कर देगा। यानी दूध पीने के लिए नहीं, नहीं लगाने के लिए, आपकी इन्फेक्शन, आपकी फुंसियां, ये सारी चीजें, किसी भी तरह के दाने पानी के अंदर रहने की वजह से या जो बारिश में नमी सी होती है उसकी वजह से दाने। तो देखें अभी तक बहुत गटर का पानी भरा हुआ है, बहुत बुरा हाल है, काला काला रंग का हुआ है ना, तो उसके लिए जो ना दूध बहुत इफेक्टिव है। लेकिन हमने दूध के साथ और चीजें भी मिलानी है। अब हमने करना क्या, सबसे पहले दूध लेंगे, फ्रेश मिल्क को जो भी है घर में 1 टेबल स्पून आपने लिया, ठीक है। इसमें जो है आप डालेंगे नीम के पत्तों का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर 1 टीस्पून डाला। इसमें आप डालेंगे पत्तों का पाउडर भी एंटी बैक्टीरियल, बिल्कुल एंटी बैक्टीरियल। अच्छा, इसके अंदर हम डालें काशगरी सफेदा, काशगरी सफेदा ये जिंक ऑक्साइड होता है, इसको डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, जिंक के साथ ये हम लेंगे कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा है। ये कैलामाइन लोशन वो तो जो बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनको देते हैं हमें ना, लगाते हैं इसको पीने के लिए, वही है जी हाँ, नहीं इसको लगाने का वो नहीं, वो क्या होता है, वो कार्बोनेटिव होता है, वो कार्बोनेटिव मिक्सचर, ये कैलामाइन, बड़े हो गए भूल गई, ये क्या होता है, कार ये कैलामाइन है, कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, बेंटोनाइट मुल्तानी होती है, इसमें जिंक होता है। अच्छा। और इसके अंदर जो है इसको खोलना, सबसे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि दानों को इन्फेक्शन जो स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है उसके ऊपर लगाते हैं, पित हो जाती है, गर्मी दाने होते हैं सब सबके लिए, ये जो आप बना रही है पित गर्मी दाने सब पे भी लग सकता है, बारिश के अभी इस वक्त है ना सबको प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा डालेंगे कैलामाइन लोशन 1 टीस्पून, आपने इसमें डाला कैलामाइन लोशन, आपने इसमें डाला नीम के पत्तों का लाइक पाउडर, पाउडर आपने इसमें डाला, ये काशगरी सफेदा, ये तीन चीजें आपने दूध में मिलाई, दूध में मिलाई। देखिए मिक्स भी मुश्किल से होता है, काशगरी मुश्किल से मिक्स हो रहा है। हाँ। इसको मिक्स करके एक लोशन सा आपका बन जाएगा, ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जिसके भी दाने हैं नॉर्मली ये पैरों पे ज्यादा निकल होते हैं, जैसे वो पानी के अंदर लगना बार बार, पैर जो है टांगे बहुत खराब हो रही होती है, तो लेग्स के ऊपर खासकर बच्चों की पूरी बॉडी के ऊपर। हाँ। तो जहाँ भी दाने फोड़े फुंसियां हैं पस हो गया है उसके ऊपर आपने लगाना है। अच्छा, पूरी रात लगा रहे बहुत अच्छा है, जितनी देर लगा रहे उतना अच्छा है, ठीक है। ये ऐसा लिक्विड सा बन जाएगा, इसको आप बना के तकरीबन एक हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं, सिर्फ दूध है। हाँ। वरना तीन चीजें आप मिला के रखेंगे तो खराब नहीं होती है, सिर्फ दूध की वजह से जो है फ्रेश मिल्क की वजह से इसको 1 वीक रखा जाता है, वरना बाकी तीन चीजें मिला लें और जिस वक्त आप लगा रहे हैं उसी वक्त दूध ऐड कर लें। अच्छा, इसको जो है आपने लगाना कैसे, इस तरह से आपने लेप करना है, सही इस तरह लेप कर देना है और इसको छोड़ देना है। ये आप देखेंगे जो फुंसी या दाने जिसे कह रहे हैं पस पड़ा हुआ, ये एक ही दिन में ड्राई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छी बात, खास बात इसकी ये, जब आप इसको लगाते रहेंगे होता है कि दाने ड्राई हो जाते हैं या एंटीबायोटिक किसी ने खा लिया, इलाज हुआ या वक्त के साथ खत्म हो गए, उसके निशान रह जाते हैं। लेकिन जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो दानों के साथ साथ जो इनके निशानात भी खत्म हो खत्म हो, कोई आपको कोई मार्क नहीं, तो आपके टांगों पे ना एक अजीब गंदे गंदे से हो जाते ब्लैक ब्लैक मार्क, ब्लैक पर्पल, इस वक्त मैंने देखा है फुंसियां अगर खत्म भी होगी ना वो मार्क्स रह जाते हैं। अच्छा, फिर होता है कि नॉर्मली बारिश के सीजन में बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे बारिश शुरू होती है, चलो अभी तो बहुत ज्यादा हुई लेकिन वैसे भी अगर बारिश शुरू होती है तो दाने निकल आते हैं और उसमें पस पड़ जाता है, काले काले निशान रह जाते हैं, और अभी तक कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि बचपन के निशान आज तक लेके चल रहे हैं। अगर आप ये लगाना शुरू करते हैं जो तीन चीजों का मिक्सचर है दूध के साथ, तो वो निशान जो है आपके फौरन खत्म हो जाएंगे, कभी भी निशान नहीं रहेगा, और दाने अगर हो गए या फोड़े हो गए तो वो उसको ड्राई कर देगा। सही, थैंक यू।